भाई साहब आज मेरे को घर के कबाड़ के अंदर मिला हैंड ब्लेंडर। आज हम इसको सही करने की कोशिश करें। मार्केट से करवाओ 250 में भाई साहब का लेकर के देंगे या फिर हो। तो हेलो गाइस, तो फिर कैसे आप लोग आई होप एकदम बड़े एकदम मस्त होंगे एंड वेलकम आपका हमारे गोरदाज फ्रेश ब्लॉग के अंदर। सब आज मेरे को घर के कबाड़ के अंदर मिला ये वाला काफी कमाल का एक हैंड ब्लेंडर, बट भाई सब दिक्कत ये कि काफी ज्यादा खराब हो रखा है। एंड गाइस इसका मोटर सही है बट हाँ इसकी कुछ चीजें खराब है और आज हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमेशा की तरह व्लॉग में कुछ ना कुछ तो हम तोड़ा फोड़ी या फिर कभी कभी रिपेयरिंग कर देते, आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है और इसी बहाने में आपको इसके अंदर भी दिखा दूंगा कि हैंड ब्लेंडर के अंदर क्या होता है। ऊपर से हम इसको सही भी कर देने वाले हैं। इसके अंदर की जो रोड है ना वो काफी टाइम पहले खराब हो गई थी, क्योंकि जब इसकी रोड के अंदर जंग लग जाती है ना तो फिर उसके बाद जंग जो ना क्या करती है कि लोहे को एकदम खराब कर देती है एंड कुछ टाइम के बाद भाई साहब काफी कमजोर होता है वो चीज और उसके बाद टूट जाती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। ये देखो भाई साहब, ये इसकी पुरानी वाली रोड है जो कि मैंने काफी टाइम पहले निकाल दी थी। तो हुआ क्या कि गई इसके ऊपर लग गई थी काफी जंग और जिस वजह से जाम हो गया था। देखो ये वाला जो आपको ये पार्ट दिख रहा होगा ना, ये इसके ऊपर फ्री होना चाहिए देखो ऐसे, बट ये हुआ पड़ा था काफी जाम। तो मैंने इसको जैसे प्लायर से पकड़ के घुमाया तो भाई साहब टूट गया, क्योंकि जंग लगने की वजह से काफी कमजोर हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये टूट गया, बाकी अब ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो बट कोई बात नहीं, हमारे काम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम इसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी मोटर के ऊपर लगा के हैंड ब्लेंडर अपना खुद का बना सकते हैं। तो अभी भी जस्ट मैं मार्केट में गया था तो मैं ये रोड ले गया हूँ। मेरे को कितने की मिले बताता हूँ, अलग अलग जगह के हिसाब से वैसे तो अलग अलग इसका प्राइस हो सकता है, बट मेरे को कैसे हो ना ये मिली है 130 रुपए की। ठीक है, और 130 रुपए की 120, 100 एंड 110 इतने की आपको मिल जाएगी लोकल मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग शॉप के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। देखो यहाँ पे, अब ये नई वाली रोड है, देखो यहाँ पे एकदम मस्त फ्री घूम रही है, देखो यहाँ पे एकदम मस्त। बट ये वाली भाई साहब इसके ऊपर एकदम जंग लगने की वजह से काफी टाइट हो गया था, जिस वजह से मैंने घुमाया तो भाई साहब ये टूट गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका तो यूज हम नहीं कर सकते, ये वाली रोड नहीं लगाएंगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा इसको खोलने, मतलब इसको लगाने के लिए। वैसे तो आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको आपको खोल के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर इसको सही कर ही रहे हैं तो चलो आपको अंदर से भी इसको दिखा दो कैसा होता है। चलो फटाफट से ट्राइपॉड पे लगाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं हैंड ब्लेंडर के अंदर का राज। तो चलो फिर इसको खोलते हैं एंड ये आ चुका अपना स्क्रू ड्राइवर और ये रही बिट और इसके आगे लगाते हैं और इसका ऑपरेशन करना चालू करते हैं। और वैसे तो इसको खोलने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है इसको खोलना। एंड देखो यहाँ पे दो स्क्रू मिल जाएंगे कुछ इस टाइप से, बस आपको इनको खोलना है। मैं फटाफट से जो ना इनको खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई साहब फाइनली इसको खोल दिए और थोड़ा कैमरे का जो एंगल है ना वो चेंज करता हूँ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ और साथ में फ्लैश लाइट भी जला लेता हूँ। अब देखो भाई साहब यहाँ पे एक पुश स्विच लगा हुआ है, जैसे इसको प्रेस करते हैं चल जाती है मोटर और ये रही मोटर और इसको भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अरे आ जा भाई साहब, ये देखो भाई साहब ये इसकी मोटर और इसके ऊपर भी जंग लग रखा है, बट हाँ इसके ऊपर पानी नहीं गया, ऐसी बात नहीं कि जंग लगा हुआ तो इसके ऊपर भी पानी गया। इसके ऊपर पानी जाना मतलब इतनी आसानी से अंदर पानी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि काफी सारे इसके ऊपर ये आता है, इसके अंदर ये रबड़ लगी रहती है, बट हाँ इस वाली रोड के ऊपर कभी कभी पानी चला जाता है। जैसे कि भाई साहब ये देखो इस वाली का हाल क्या हो गया, ये पानी जाता है इस वाले साइड से, मतलब ये ढक्कन लगता है, हो सकता है इसके अंदर से भी जा सकता है बीच में से, और मैक्सिमम साइड में से जाता है या फिर बीच में से जाता है। ठीक है, तो जब ये पानी चला जाता है तो ये अंदर की रोड को खराब करने लगता है, ठीक है, ताकि जंग लग जाती है तो खराब होने लगता है। तो इसको आपको सही करने के लिए थोड़ा बहुत इसके ऊपर ऑयल डाल के फिर फिट करना है, ताकि अगर पानी चला भी जाए तो फिर जो है ना जंग ना लगे। इसको हमें कुछ इस टाइप से ऐसे फिट करना है, बट उससे पहले हमें पुरानी वाली जो रबड़ लगी हुई है ना वो देखो भाई साहब वो रबड़ निकालनी है। ठीक है, तो चलो रबड़ को निकालते हैं, तो इसी बहाने खोलना तो पड़ेगा ही। हाँ गाइस, इसको खोल लेना तभी आई थिंक रबड़ निकलेगी, ऐसे तो रबड़ नहीं निकलने वाली। तो चलो फटाफट से मैं जो ना रबड़ निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फाइनली भाई साहब मैंने इसको खोल दिया, ये देखो ये रबड़ आ चुकी है, पुरानी वाली देखो कितनी खराब हो रखी है और ये नई वाली रबड़ देखो भाई साहब कितना डिफरेंस है, देखो ये देखो काफी खराब हो रखी है। तो इसी वजह से पानी भी शायद इसके अंदर जा रहा था और ये रोड खराब हो रही थी, क्योंकि इसकी रबड़ भी घिस चुकी थी। ठीक है, क्योंकि अगर जाम हो जाए तो फिर मतलब थोड़ा दम लगेगा, तो अगर दम लगेगा तो भाई साहब रबड़ घिस जाएगी, घिसेगी तो भाई साहब पानी जाएगा और वे और खराब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि पानी ना जाए
और ये जाम ना हो। देखो अभी ये खाली हो चुका है अंदर से, अभी ये मस्त हमारी नई वाली जो शाफ्ट है ना ये लग जाएगी। मैं आपको लगा के दिखा दूँ, पहले ट्राई बोर्ड पे लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो रबड़ है ना मैंने काफी दम लगा के जब इसको अंदर से ठोका ना तभी भाई साहब बाहर निकली है, वरना ऐसे अगर मैं खींच रहा था तो भाई साहब ये नहीं आ रही थी, काफी ज्यादा टाइट हो चुकी थी अंदर ही, ठीक है पता नहीं कैसे, बट हाँ अभी ये फाइनली बाहर आ चुकी है और एकदम हालत बेकार हो चुकी है। देखो टूट फूट रही है, देखो जब पानी में जाए मतलब ये जाएगा जूस वूस बना हो गए तो भाई साहब कितना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रबड़ एकदम मस्त चेंज कर देना, ठीक है, जुगाड़ वुगाड़ मत करना। मैं कह रहा था भाई साहब कि इसको लगाने से पहले एक बार इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल डाल देना, कोई भी आपके पास आया ठीक है, सरसों का तेल भी डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्का फुल्का लगाना है ताकि जंग ना लगे। और उसके बाद आपको इसको फिट करके उससे पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत सुपर ग्लू डाल देनी है फेविक्विक, ताकि ये भाई साहब निकले ना, अगर कोई चीज में अटके ना, बर्फ बर्फ आप तोड़ते हो तो भाई साहब ये हो सकता है उसके अटकने के बाद बाहर आ जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत सुपर ग्लू डाल देना है ताकि ये एकदम मस्त चिपक जाए। चलो फिर मैं कर लेता हूँ काम, ये मतलब ऑयल डाल लेता हूँ और इसको चिपका लेता हूँ इसके अंदर। काफी मस्त तरीके से इसको लगा दिया, चलो आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो अभी यार एक फ्लैश लाइट भी जला लेता हूँ, दो मिनट जल जाए यार। ये देखो भाई साहब काफी मस्त चिपका दिया है, और अभी इसको हाँ जो ना हम धो लेंगे, जब इसको पूरा बंद कर देंगे ना तो एक दो बार इसको पानी में धो लेंगे अच्छे से, उसके मतलब चला के अच्छे से पानी के अंदर तो अच्छे से साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ब्लेड ब्लेड आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई साहब कितना मस्त लग रहा है, और नया वाला हमारा ब्लेड लग चुका है अंदर से, कुछ स्टेप से लग रहा है और अंदर से कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से साफ होना चाहिए, या आपका पानी में धुल के या फिर थोड़ा बहुत सर्फ से यहाँ पे साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मार्केट से करवाओगे तो 200-250 में भाई साहब का ये रिपेयर करके देंगे, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा 300 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, 200 से लेकर 300 तक आराम से चार्ज कर सकते हैं, बट हमारा ये 130 रुपए में सिर्फ रोड आई है तो सिर्फ उसका ही खर्चा है, बाकी हमारा खुद का मेहनत, ठीक है। फटाफट से अभी क्या करते हैं इसको ट्राइपॉड पे लगाता हूँ और बाकी आपको दिखाता हूँ अभी किस टाइप से इसको करना है, बाकी तो अभी तो बंद ही करना है, ठीक है, बट किस टाइप से करना है चलो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे सामान मैं पास में रख लेता हूँ, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पीछे में ये जो रबड़ वाला लगा होता है ना मोटर को रोकने के लिए, तो ये लगा देना पीछे में सबसे पहले, और उसके बाद हमें इसका जो स्विच है वो इसके स्विच का ढक्कन है ये लगा देना है, उसके बाद बस हमें कुछ नहीं करना है, रबड़ हमें कुछ इस टाइप से चिपका देनी है और बस होगा काम। अभी यहाँ पे हमें इसको कुछ इस टाइप से ऐसे बंद करना है, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस टाइप में गई जिसका जो है ना प्लस में है वो। फाइनली भाई साहब काफी मेहनत लगी, और फाइनली मतलब इतनी भी नहीं लगी बट हाँ मेहनत तो लगी, ऐसी बात नहीं है, और फाइनली ये हो चुका है डन, और अभी आपको चला के भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखो भाई साहब काफी मस्त हो चुके हैं, एकदम पैक कर दिए जैसे पहले था, और नई रोड लग चुकी है ठीक है। और गाइस सुनो ना, इस काम को करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता बट थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, मतलब मैंने आपको बता दिया कैसे करते, बहुत आसान है, ठीक है, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता ना मैं उनके लिए अच्छे से बता दिया, तो वो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एंड आपने काफी सारे पैसे बचा सकते हो, सिर्फ आपको रोड लेके नहीं, जो कि आपको 100, 120, 130 रुपए के अराउंड मिल जाएगी, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है, और रिपेयरिंग का आपको 200 से 300 या फिर हाँ 200 से 300 तो आराम से चार्ज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको घर में सही करके दिखा दिया, तो इसके लिए यार एक लाइक ठोक दो यार, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि हवा के साउंड ना आए और आपको अच्छे से समझ में आए। ये लगा दिया मैंने इसके अंदर, और अभी यहाँ पे मैं इसको चालू करता हूँ। देखो यहाँ पे जब गाइस मैं इसको ये वाली रोड लगा के चलाता था ना, तो भाई साहब एकदम ऐसे घें 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 करता रहता था, खराब हो जाएगा, मैं इतना तगड़ा साउंड आता था इसका बेकार सा, और ये काम भी अच्छे से नहीं करता, बहुत ज्यादा मोटर के ऊपर लोड पड़ता है उससे, तो प्लीज इसको सही जरूर करें अगर साउंड ज्यादा आ रहा है तो। अब देखो कितना मस्त साउंड आ रहा है देखो, और अगर हल्का फुल्का टाइट चल रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम चलेगा ना तो रबड़ एकदम नई नई है, थोड़ी बहुत चलेगी तो सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम मस्त ये काम करेगा। देखो यहाँ पे तो हो चुका है डन, फाइनली हमारे काफी पैसे बच चुके हैं और सिर्फ हमारा उसका खर्चा है अपना रोड का। तो चलो फिर मिलता आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ, होप आपको अच्छा लगा, लाइक कर सब्सक्राइब कर देना, मिलता आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।